गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक्सरसाइज 6.3 के सवाल बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश और कोण सी डी ई बराबर 53 अंश है, तो कोण डी सी ई का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक आकृति बनाते हैं। आकृति में एक त्रिभुज है, इसी को आगे बढ़ाया गया है और एक लाइन जो है इधर आती है। नाम दे दीजिए, नाम है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई बिंदु दिया है। कोण देख लो, दिया है 35 अंश और 53 अंश, ये दिया है 35 अंश और ये दिया है 53 अंश, ठीक। प्रश्न में दिया प्रश्न भाग ये है 3 है। ए बी समांतर डी ई प्रश्न में है, इसके बाद कोण बी ए सी बराबर दिया है, बी ए सी बराबर दिया है 35 अंश और कोण सी डी ई, कोण सी डी ई बराबर दिया है 53 अंश। निकालना क्या है, कोण डी सी ई क्या करना है, कोण डी सी ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ए बी समांतर है डी ई के, सोल्यूशन ए बी समांतर है डी ई के, और जब ए बी समांतर डी ई के है तो कोण बी ए ई बराबर कोण कौन सा होगा, ए ई डी, ए ई डी बराबर होगा। क्या लिखते हैं, कोण बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर कोण ए ई डी, कोण ए ई डी क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक। इसके बाद अब हमें यहां ये देखना है कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी कोण ए ई डी के बराबर होगा। याद ले देते हैं, कोण बी ए सी, बी ए सी बराबर कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर हो जाएगा 35 अंश, ठीक ना। क्यों, क्योंकि बी ए ई आने देती है, कोण बी ए ई, बी ए ई को हम कोण बी ए सी के बराबर लिख सकते हैं, कोण बी ए ई बराबर कोण बी ए सी लिख सकते हैं। अब हम तो ये कोण जो है बी ए सी, बी ए सी बराबर क्या हो गया ए ई डी, तो ये हो गया 35 अंश हो जाएगा, ठीक। अब हम लेते हैं त्रिभुज डी सी में, त्रिभुज डी सी ई में जब वो डी सी ई लेंगे तो कोण सी डी ई, कोण सी डी ई प्लस कोण सी डी ई हो गया। अब लेते हैं कोण सी ई डी प्लस कोण सी ई डी प्लस कोण डी सी ई प्लस कोण डी सी ई बराबर हो गया 180 अंश। अब ध्यान देना है कि कोण सी डी ई का मान दिया है 53 अंश, प्लस कोण सी ई डी का मान दिया है 35 अंश, क्योंकि हम यह ले सकते हैं कोण
लिख सकते हैं प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। ब्रैकेट में लिख दीजिए कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर कोण सी ई डी, सी ई डी कर दिया तो सी ई डी का मान भी आ गया 35 अंश। इन दोनों जोड़ लेते हैं ये हो जाएगा 88 प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। तो कोण डी सी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 88 बराबर आ जाएगा 92 अंश। तो कोण हो जाएगा कोण डी सी ई बराबर हो गया 92 अंश। यही आपको ज्ञात करना था, ठीक समझ आ गया। तो समझ लीजिए कोण बी ए ई बराबर कोण, कोण बी ए ई बराबर कोण ए ई डी एकांतर कोण है। हम कोण बी ए सी को कोण ए ई डी ले सकते हैं या कोण ए ई डी को कोण सी ई डी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 35 हो गया है। दोनों जोड़ लिया इधर प्लस का है इधर आकर माइनस का हो गया, तो इससे हमारा जो है कोण डी सी ई 92 अंश ज्ञात हो गया है, ठीक समझ में आया। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन और है, प्रश्न नंबर 4 बहुत आसान क्वेश्चन है, 14 है। आकृति में रेखाएं दिया है पी क्यू और आर एस, बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण पी आर टी का मान दिया 40 अंश, आर पी टी दिया 95 अंश, कोण टी एस क्यू दिया है 75 अंश। तो आकृति देखिए एक ये लाइन है, इस लाइन पर एक त्रिभुज बनता है पी आर टी, ये मान लीजिए पी है, ये पी है, ये आर है और ये टी है। इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसको हम इसे मिला देते हैं, तो यह बिंदु हो जाता है एस और क्यू, ये एस है और ये क्यू है। इसके बाद कोण दिया है 95 और 40, ये दिया है 95 अंश, ये दिया है 40 अंश और ये शायद दिया है 75 अंश, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, कोण एस क्यू टी निकालना है, कोण एस क्यू टी हमको फाइंड करना है, ठीक। अब देख रहे हैं कि त्रिभुज पी आर टी में दो कोण अगर ज्ञात है तीसरा कोण आसानी से ज्ञात हो जाएगा। लिखते हैं त्रिभुज पी आर टी में कोण पी आर टी प्लस कोण पी टी आर प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण आर पी टी, जो पॉइंट बीच में होता है वही कोण होता है आर टी पी, बराबर हो गया 180 अंश। कोण पी आर टी का मान दिया है 40 अंश प्लस कोण पी टी आर हमें ज्ञात करना है, कोण पी टी आर ज्ञात कर लिया प्लस कोण आर पी टी का मान दिया है 95 अंश बराबर हो गया 180। कोण पी टी आर प्लस 95 और 40 जोड़ लीजिए ये आएगा 135 अंश बराबर 180। कोण पी टी आर बराबर 180, ये प्लस का है इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया कोण पी टी आर बराबर आ जाएगा 45 अंश, यह कोण मालूम हो गया 45 अंश। आपको मालूम है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो यह कोण भी हो जाएगा 45 अंश। यहां देख सकते हैं कि कोण पी टी आर बराबर कोण
एस के क्यू, एस के क्यू बराबर 45 अंश, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब आपको पुनः त्रिभुज में दो कोण मालूम हो गए, तीसरे कोण क्या करना है, तो दोनों कर लेंगे, पुनः याद लिखा जाएगा त्रिभुज एस टी क्यू में, त्रिभुज एस टी क्यू में कोण एस टी क्यू प्लस कोण एस क्यू टी प्लस कोण टी एस क्यू, कोण टी एस क्यू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। जो कोण हमें ज्ञात है और अभी ये एस टी क्यू दिया है 45 अंश, फिर कोण एस क्यू टी हमें निकालना है, कोण एस क्यू टी प्लस कोण टी एस क्यू यानी एस दिया है 75 अंश, बराबर हो गया है 180 अंश। 75 और 45 जोड़ लीजिए कितना आएगा 80, अच्छा बारह 120, 120 प्लस कोण एस क्यू टी बराबर हो गया 180 अंश, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, कोण एस क्यू टी बराबर हो गया 180 माइनस 120 अंश, कोण एस क्यू टी बराबर हो जाएगा 60 अंश, यही आपको निकालना है, ठीक समझ आ गया ना। ये आपका प्रश्न नंबर 3 और 4 होता है, ठीक है, आज क्लास सेवा बंद की जाती है, वीडियो को एक से दो बार देख लीजिए, सवाल से समझ आ जाएगा, ठीक, धन्यवाद।